a very good morning dear students we are learning generations of computer and in the previous video we have learned about the three generations of computer so our four generation computers are the four generation computers are started in 1971 and it used microprocessor the size of the computer बिकेम वेरी स्मॉल एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ड ऑन टू अर सिंगल सिलीकॉन चिप तो हमारे फोर जनरेशन के जो कम्प्यूटर्स हैं वो कब से स्टार्ट हुए नाइनटीन सेवेंटी वन से स्टार्ट हुए और आज की डेट तक हम कौन से कम्प्यूटर्स यूज कर रहे हैं फोर जनरेशन कम्प्यूटर्स यूज कर रहे हैं ओके सो ये फोर जनरेशन कंप्यूटर्स किसका यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते थे द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकेम वेरी स्मॉल तो जो हमारा साइज है कम्प्यूटर का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल बन गया ठीक है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ड ऑन टूअर सिंगल सिलीकॉन चिप क्योंकि हमारे जो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम यूज कर रहे थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उन सभी को एक सिलीकॉन चिप में बिल्ड कर दिया गया ठीक है दीज कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल

विच डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट जिसके थ्रू इस नेटवर्क के थ्रू बाद में क्या बना हमारा इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ ओके इंटेल फोर थाउजेंड फोर मैसे आई बी एम से थ्री सेवेंटी एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर जनरेशन कंप्यूटर्स दीज आर दफ फोर जनरेशन कंप्यूटर्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज आर सी सी प्लस प्लस जावा एट्सेट्रा और इस इन कंप्यूटर्स में बनाने के लिए ठीक है जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज हुए वो क्या थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से यूज हुए सी सी प्लस प्लस और जावा द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन फिट ऑन अ स्मॉल डेस्क और इवन ऑन दाम ऑफ देंड तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत छोटे से छोटे बनते चले गए जो कि किस में फिट हो सकते हैं स्मॉल डेस्क में फिट हो सकते हैं और हमारे पाम में भी फिट हो सकते हैं ओके okay? पाम में कौन से हमारे कंप्यूटर फिट होते हैं टैबलेट्स इन 1981 एटी वन आई बी एम इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर पी सी फॉर द होम यूजर्स एंड इन नाइनटीन एटी फोर एप्पल इंट्रोड्यूस्ड द मैसेट 1981 में IBM ने क्या इंट्रोड्यूस किया हमारा फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करा ठीक है फॉर दी होम यूजर्स ताकि हम उन कंप्यूटर्स को कहाँ यूज कर सके घरों में भी यूज कर सके ओके एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैसेंटश तो इन 1984 में एप्पल कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है दूसरा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जिसका नेम था मैसन नाउ द फीचर्स ऑफ फोर जनरेशन कंप्यूटर्स फर्स्ट दे आर दे यूज माइक्रो प्रोसेसर फोर जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज कर रहे थे दे आर मल्टीपर्पज कंप्यूटर्स दे आर मल्टीपर्पज कंप्यूटर्स मतलब वो एक ही टाइम पर बहुत सारे वर्क कर सकते थे दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल बहुत ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल थे ये कंप्यूटर्स द ऑपरेटिंग स्पीड इज वेरी फास्ट और हमारी फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स की ऑपरेटिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है ओके सो द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रजेंट एंड बियड द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट तो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स किसमें बेस्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और वो आज की डेट में भी बन रहे हैं मतलब आज की डेट से वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं और बने नहीं हैं, बन रहे हैं ओके द मेन गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू डेवलप द कंप्यूटर्स दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड टेकिंग देर ओन डिसीजनस फॉर एग्जाम्पल रोबोट तो हमारे फिफ्थ जनरेशन का जो गोल है तो वो कैसे कंप्यूटर्स को डेवलप कर रहे हैं जो नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पोंड कर सके जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं इंग्लिश हिंदी तो वो इन लैंग्वेजेस को रिस्पोंड कर सके ईजिली एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड टेकिंग देर ओन डिसीजनस और वो खुद से कोई भी वर्क लर्न करें और अपने खुद के कोई डिसीजन ले सके ऐसे जनरेशन के कंप्यूटर्स वो डेवलप कर रहे हैं ओके फॉर एग्जाम्पल रोबोट फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कम्प्यूटर्स द फिफ्थ जनरेशन कम्प्यूटर्स विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स तो फिफ्थ जनरेशन के कम्प्यूटर्स क्या यूज करेंगे बहुत बड़ी स्केल में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज करेंगे दे विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी खुद की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी दे विल बी एबल टू रिकोगनाइज इमेजेस एंड ग्राफ्स वो इमेजेस और ग्राफ्स को रिकोग्नाइज कर सकेंगे खुद से देर एम इज टू बी एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिशीजन मेकिंग और उनका एम होगा कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें और इवन वो खुद के डिसीजन ले सकें दे विल बी एबल टू यूज मोर देन वन सी पी यू फॉर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड और एक से ज्यादा वो सीपीयू को यूज करेंगे ताकि उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाए एंड द लास्ट फिफ्थ इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेंडेड टू वर्क विथ कर सके नेचुरल लैंग्वेज में वर्क कर सके ओके सो डियर स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर वन इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू राइट two questions on your copy that is first you have to write you have to write four generation computers in your copy so your question is question number fifth write down the features of four generation computer okay like this you have to write the question number fifth write down the features of four generation कंप्यूटर्स आपको क्या करना है फोर जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स लिखने हैं ओके okay? तो आप लिखेंगे फोर जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1971 सेवेंटी वन ऑनवर्ड्स ओके दैन यू हैव टू राइट द फीचर्स ऑफ फोर जनरेशन कंप्यूटर्स दैट इज दे यूज माइक्रो प्रोसेसर दे आर मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स दे आर एक्ूरेट एंड टू द ऑपरेटिंग स्पीड इज वेरी First. Okay. Then you have to write the next question. Question number 6. Write down the features of 5th generation computers. Aapko 5th generation computers ke bhi features likhne hai? Then write answer. 5th generation computers present and beyond. Then write features of 5th generation computers. First is. The fifth generation computers will use super large scale integrated chips. Second, they will have artificial intelligence. Third, they will be able to recognize images and graphs. Fourth, their aim is to be able to solve highly complex problems, including decision making. Next, they will be able to use more than one CPU for faster processing speed. And the last feature is fifth generation computers are intended to work with natural language. Okay. So, dear students, that's all for today. You have to write these two questions on your notebook. Thank you.